वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में भारतीय रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर रेलवे के बजट में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया है कि रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जिसमें सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा। सबसे पहले रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी। रेलवे के बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में 2014 से तेज वृद्धि हुई है। पिछले चार वर्षों से पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हो रही है और 2022-23 में ये 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 29% की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में 12 दिसंबर 2022 तक 2022 ट्रैक किलोमीटर पूरे कर लिए थे। इसमें 109 ट्रैक किलोमीटर नई लाइन, 102 ट्रैक किलोमीटर गेज परिवर्तन और 1811 ट्रैक किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं। कोरोना से पटरी से उतरी रेलवे की कमाई। कल पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया है, कोविड महामारी से पहले 2019-20 भारतीय रेलवे की कमाई 809 करोड़ रुपए थी, जो 2020 से 21 में घटकर 125 करोड़ रुपए रह गई थी। यह आंकड़ा 2021-22 में बढ़कर 352 रुपए रह गया था। समीक्षा में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यात्रियों की संख्या में मजबूत वृद्धि देखी गई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2020 और 21 में 2021-22 के बीच माल ढुलाई में भी तेजी वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर तक माल ढुलाई सालाना आधार पर 8.3% अधिक थी। वेल, ये तो थी कुछ योजनाएं जो रेलवे के लिए बनाई गई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी डिजिटल के साथ।